हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा फ्री फायर अपडेट के बारे में। 4 फरवरी यानी कि कल के दिन आप लोग अपना फ्री फायर गेम नहीं खोल पाएंगे क्योंकि सर्वर डाउन रहता है अपडेट के दिन। कल एक नया अपडेट आने वाला है फ्री फायर का OB26। अब कई जो नए प्लेयर्स रहते हैं ना वो लोग घबरा जाते हैं, तो भाई मेरा गेम क्यों नहीं खुल रहा है, कहीं मेरी आईडी बैन तो नहीं हो गई, भगवान जी मैंने क्या पाप कर दिया यार, मेरा गेम क्यों नहीं खुल रहा है मम्मी। तो दोस्तों आप लोग घबराना मत, आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों, जिस दिन अपडेट आता है उस दिन हम लोग अपना गेम नहीं खोल पाते हैं, तो कुछ टाइम तक कोई भी फ्री फायर गेम नहीं खेल सकता है। तो 4 फरवरी को अपडेट आने वाला है यानी कि कल के दिन, और शाम 6 बजे तक सर्वर डाउन रहेंगे यानी कि शाम के 6 बजे बाद आप लोग फ्री फायर खेल सकते हैं। अब अपडेट के अंदर ना जो नए नए चेंजेस आए हैं गेम के अंदर और कुछ नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ना फ्री फायर के अंदर बहुत मस्त मस्त चीज भी ऐड हुई है, मैं आप लोग को उसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा भी। बट उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के, ताकि हमारा 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट भी जल्दी से कंप्लीट जाए। तो चलो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड्स के बारे में। अब दोस्तों अपडेट के बाद एक नया ट्रेनिंग ग्राउंड्स ऐड होगा जिसमें कुछ मजेदार मिनी गेम्स भी अवेलेबल है, आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं। मिनी गेम्स जैसे एक रेसिंग गेम ऐड हो गया है, पूरा एक रेसिंग ट्रैक जैसा यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे 2 लैम्बोर्गिनी कार से रेस चल रही है, तो आप लोग अपने दोस्त को यहाँ पे रेसिंग भी लगा सकते हैं। दूसरा मिनी गेम है फेरिस व्हील, ये आप जो बड़ा सा देख रहे हैं जाइंट व्हील जैसा, ये भी एक मिनी गेम के अंदर आया हुआ है, आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं। पीछे वो देखो रेसिंग ट्रैक है और यहाँ पे एक बड़ा सा चरखा है। और तीसरी चीज जो दोस्तों इसमें ऐड हुई वो है डाइस एंड हैमर, अब इसके पिक्चर ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 न्यू मिनी गेम्स इसमें ऐड हुए हैं जो अपडेट के बाद से आपको नई ट्रेनिंग ग्राउंड में खेलने को मिलेंगे, है ना मजेदार। दोस्तों जो नया मैप आया था ना बर्मुडा रिमास्टर्ड, ये उसी का ट्रेनिंग ग्राउंड, एक नया ट्रेनिंग ग्राउंड ऐड हुआ है जिसके अंदर आपको ये मिनी गेम्स खेलने को मिलेंगे। सिर्फ इतना नहीं यार, अभी तो और भी बहुत नई नई चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो ऐड हुई है गेम के अंदर। आप लोग को नया ट्रेनिंग ग्राउंड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली चीज जो न्यू अपडेट में ऐड हुई है दोस्तों वो है डायनेमिक रो मैकेनिक, जो की बहुत ही मजेदार न्यू फीचर ऐड हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बट उससे पहले आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, 4 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जब आप लॉग इन करेंगे ना तो आपको उसके बदले में कुछ वाउचर्स मिलेंगे डेली लॉग इन पे, WR वाउचर्स और DR वाउचर्स, और ये रही बेसबॉल की बैट स्किन जिससे आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ डायनेमिक डुओ के बारे में, जो नया फीचर ऐड होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो सरल भाषा में आपको बताता हूँ, जो भी आपका गेम में बेस्ट फ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, मुझे पता नहीं यार आप लोग कितने लकी हो तो जो भी आपका पार्टनर है जिसके साथ आप गेम में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके साथ सबसे ज्यादा खेलते हैं, अब आप दोनों मिलकर अपने गेम में कई सारे माइलस्टोन्स और अचीवमेंट्स को अनलॉक कर सकते हैं। इस चीज के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक फ्री फायर स्टोर में एक वस्तु होगी जिसका नाम है द गोल्डन वाओ। जब इस वस्तु को फ्री फायर स्टोर से खरीद लेंगे आपको ये वस्तु को अपने पार्टनर में भेजनी है, और जैसे ही वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी या कर लेगा बस आप लोगों का वहाँ पर डायनेमिक डुओ बन जाएगा। अब इसके बाद से आप लोग जितना ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे, जितना ज्यादा गेम खेलेंगे साथ में, गेम के अंदर आप उतने ही ज्यादा अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे। और जो ये गोल्डन वाओ नाम की वस्तु है ना, ये आपको 9 फरवरी से स्टोर में देखने को मिल जाएगी, और जैसा आप लोग ये इमेज में देख रहे हैं ना ऐसा एक स्पेशल बैच आप लोग के प्रोफाइल में दिखेगा, जो आप लोग का डायनेमिक डुओ आप दोनों के प्रोफाइल में ये एक स्पेशल बैच दिखेगा। जैसे आपको टीम फॉर्मेशन करेंगे तो आप दो अलग से वहाँ पे चमक जाएंगे, अब आप दोनों का डुओ है ना तो आप दोनों वहाँ पे अलग से चमकोगे, आपकी प्रोफाइल में स्पेशल बैच दिखाएगा, तो ऐसा कुछ ये है। अब दोस्तों चलो हम बात करते हैं एक नए कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है शीरो, जिसकी पावर यार वाकई में बहुत जबरदस्त है। इसकी पावर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसका लुक देख लो, ये कुछ ऐसा दिखता है, जितने खतरनाक इसके लुक्स है ना उससे भी खतरनाक इसकी पावर है यार। देखो पहले गेम में कैरेक्टर थी मोको, ये कुछ इसी की तरह है, जब हम किसी को एनिमी को गोली मारते थे तो वो टारगेट लॉक हो जाता था मोको में, इसका थोड़ा उल्टा है लेकिन और जबरदस्त है और भी पावरफुल। देखो अगर आप शीरो कैरेक्टर यूज करते हैं, जैसे ही कोई भी एनिमी आपको गोली मारेगा आपको पता चल जाएगा कि किसने मारा, क्योंकि वो आप अलग से उसमें साइन दिखा देगा आपके इन गेम स्क्रीन पे और साथ ही साथ आपके मिनी मैप में भी। और उसके बाद जब आप ये एनिमी को गोली मारेंगे ना तो उसको कोई वेस्ट वगैरह काम नहीं करने वाला है, वो सीधे उसको बॉडी डैमेज देगा, ये इसकी स्पेशल पावर है। एक तो एनिमी लॉक्ड हो जाएगा, वो कहीं छुप नहीं सकता, आपको पता चल जाएगा वो कहाँ पे है जिसने आपको गोली मारी थी। उसके बाद जब आप एनिमी को गोली मारोगे तो वो डायरेक्ट उसको बॉडी डैमेज देगी, उस पर कोई वेस्ट वगैरह काम नहीं करने वाली, चाहे उसके बाद लेवल 4 का वेस्ट क्यों ना हो वो कुछ काम नहीं करेगी, उसको डायरेक्ट बॉडी डैमेज लगेगा। तो ये इसकी स्पेशल पावर है गाइस, आप लोगों की पावर कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आलो को टक्कर दे सकता है, क्या रोनाल्डो को टक्कर दे सकता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये गाइस वो नया कैरेक्टर, मैंने आपको फोटो दिखा दिया इसकी पावर के बारे में बता दिया है, तो ये वाला कैरेक्टर भी आपको अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आखिरी चीज मैं आपको बताता हूं गाइस, जो इन गेम है ना उसमें भी हमारे कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस हुए हैं। दोस्तों जो बैटल रॉयल मोड है ना उसमें 3 इन गेम चेंजेस हुए हैं, एक तो है वेंडिंग मशीन, एक है पर्सनल यूएवी और रिवाइव मैकेनिज्म में भी चेंजेस हुए हैं, तीनों आप लोगों को मैं बता दूंगा। देखो पर्सनल यूएवी तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जैसे एक ड्रोन होता है ना वो एनिमीज दिखा देता है जो हवा में उड़ता है, तो अभी ना आपका एक पर्सनल यूएवी छोटा सा ड्रोन होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं और एनिमीज को स्पॉट कर सकते हैं, जो भी आसपास आपके एनिमीज रहेंगे अगर आपके पास वो पर्सनल छोटा वाला यूएवी ड्रोन रहेगा तो आप उसको यूज करके एनिमीज को पता लगा सकते हैं कि वो कहां पे छिपे हुए हैं, आप लोगों ने वो एडवांस वाली वीडियोस में देख लिया होगा। दूसरी चीज गाइस एक वेंडिंग मशीन है, मतलब
आपको इन गेम में ना कहीं कहीं पे वेंडिंग मशीन दिखेगी जहाँ से आप रिवाइवल कार्ड ले सकते हैं। अब जो रिवाइव मैकेनिज्म में चेंजेस हुए ना वो मैं आपको बताता हूँ। दो नए मेथड आए हैं रिवाइव करने के। देखो अब तक आप कैसे रिवाइव करते थे, अगर आपका कोई टीममेट मर गया है यानी कि घुटने के बालों में पड़ा है और आप उसको आराम से रिवाइव कर सकते कुछ टाइम के अंदर, अगर उसको रिवाइव कर देते हैं वो बच जाता था। अभी ना अपडेट के बाद से दो और नए मेथड आ जाएंगे रिवाइव करने के। देखो पहले तरीके में ना अब से आप लोग कोई भी एक जगह पे अगर रिवाइव पॉइंट बनाते हैं कुछ सेकंड तक आप खड़े रहेंगे और वहां पे अगर सक्सेसफुली रिवाइव पॉइंट बन जाता है तो आपकी एंटायर टीम जो है दोबारा से रीपैराशूट हो जाएगी, यानी कि दोबारा से कूद जाएंगे पैराशूट लेके उसी रिवाइव पॉइंट पे। इसका मतलब अभी तक तो जैसे आप कोई नॉक्ड एनिमी को ही बचा सकते थे लेकिन जो एनिमी मर गया हम उसको नहीं बचा सकते, लेकिन अभी इसके बाद से जो टीममेट्स आपके मर चुके हैं आप उनको दोबारा जिंदा कर सकते हैं गेम में। आपको बस कुछ सेकंड्स तक एक जगह पे खड़े रहना है, अपना आप रिवाइव पॉइंट बनाएंगे और जैसे ही आपका सक्सेसफुली रिवाइव पॉइंट बन जाएगा आपकी पूरी टीम वहां पे दोबारा से जिंदा हो जाएगी, एकदम पैराशूट वगैरह लेके एकदम वो रेडी हो जाएंगे कि हाँ भाई चलो हम दोबारा जिंदा हो गए, दोबारा से रॉक करेंगे। तो ये था गाइस पहला पॉइंट। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ, दो मेथड जोड़े इन्होंने। देखो दूसरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, जैसे हम लोग वेपन्स वगैरह उसकी एमओ वगैरह लूटते रहते हैं गेम में तो वैसे आपको ना कुछ रिवाइव टोकन भी मिलेंगे गेम में खेलते वक्त। तो ये वाले रिवाइव टोकन लेके आपको वेंडिंग मशीन के पास जाना, याद है मैंने आपको वेंडिंग मशीन के बारे में बताया था। तो आप जैसे वेंडिंग मशीन के पास जाएंगे और आपका कोई टीममेट मरा हुआ है तो आप जैसे वो वेंडिंग मशीन में एक अपना रिवाइवल कार्ड यूज करेंगे तो वहां पे आपका एक टीममेट जिंदा हो जाएगा, और आपके दो टीममेट मरे हैं तो आपको दो रिवाइवल कार्ड चाहिए, आपकी दोनों टीममेट्स वहां पे वन बाय वन करके रिवाइव हो जाएंगे वेंडिंग मशीन के पास। तो इन्होंने गाइस ये दो जोड़े हैं रिवाइव करने वाले तरीकों में। इसके अलावा एक डेंजर जोन भी इन्होंने जोड़ा है, बट ये अभी फिर बीआर क्लासिक में ही मिलेगा आपको। इसमें देखो क्या, जैसे पहले से सिर्फ रेड जोन आता था ना, अभी ना ये नहीं है, अभी इसके अलावा एक और नया जोन उन्होंने जोड़ दिया। देखो जैसे हम लोग पीक में उतरते हैं, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा क्राउड होती है, सबसे ज्यादा जहां पे भीड़ रहती है, अगर जैसे मानो पीक में बहुत सारे बंदे कूद जाते हैं तो वहां पे ना एक ब्लैक जोन बन जाएगा। ये ब्लैक जोन आपके मिनी मैप में दिखाएगा और इस ब्लैक जोन में देखो क्या होता है, जो भी आपके एनिमीज है वो सारे गायब हो जाएंगे, गायब रियल मैप में नहीं होंगे, जो आपका मिनी मैप है उसमें गायब हो जाएगा। जैसे हम गोली मारते तो रेड निशान दिखाता ना मिनी मैप में, वो नहीं दिखाएगा। पर ये वाला ना अभी रैंक मोड के अंदर नहीं आया, बट क्लासिक मोड में हम इसे देख सकते हैं, रैंक मोड के अंदर भी ये जल्दी आ जाएगा मेरे ख्याल से, बट फिलहाल आपको ये क्लासिक मोड में मिलेगा, काफी मजेदार हो जाएगा। देखो जब बहुत सारे बंदे कूदेंगे ना पीक पे, मान लो चार पांच टीम कूद गई है तो वहां पे एक ब्लैक जोन बन जाएगा मिनी मैप में और कोई भी एनिमी को आप देख नहीं सकते, ना ही एनिमी आपको दिखता है ना ही आप एनिमी को देख सकते हैं, आप बस उनको अपने इन गेम स्क्रीन के अंदर ही ढूंढ सकते हैं, मिनी मैप में आपको कोई भी मार्क नहीं दिखाएगा अगर आप उस जोन के अंदर है। इसके अलावा उन्होंने एक और जोन जोड़ा है, एक तो हो गया हमारा डेंजर जोन जो मैंने अभी आपको बताया, इसके बाद एक डायनेमिक जोन है, लेकिन डायनेमिक जोन है दोस्तों अभी गेम के अंदर नहीं आने वाला है, वो पहले आने वाला था ये अपडेट के बाद, बट अभी इन्होंने इसकी डेट पोस्टपोन कर दी, यानी कि अभी वो नहीं आएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बर्मुडा रिमास्टर्ड में जो इन्होंने नए मोड जोड़े हुए हैं, अब इसमें ना चार नई चीजें आ गई है, एक तो है टीडीएम, एक नया मोड आ जाएगा, एक है क्लैश स्क्वाड जो हम लोग खेलते हैं, एक है बैटल रॉयल और लास्ट वाला गन किंग। तो एक नए चार मोड्स खुल जाएंगे आपके नए वाले बर्मुडा रिमास्टर्ड वाले मैप पे। तो दोस्तों यही रही वो सारी चीजें जो अपडेट के बाद आने वाली है, क्या आप लोग ये अपडेट के लिए एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी बताओ इसकी क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बोलता हूँ दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।